Hello friends, today we shall learn about computer in different fields. Lesson number 3 of standard 2. Nowadays we can see computer almost in all work areas. आप अभी कंप्यूटर को सभी वर्क एरियाज में देखा होगा, जैसे कि घर पे, स्कूल में, बैंक में, हॉस्पिटल में, कई अलग अलग जगह पे आपने कंप्यूटर का यूज होते हुए देखा होगा. टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड्स. वी कैन सी देम इन होम्स, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड एयरपोर्ट्स. आप ये प्लेसेस के नेम देख सकते हो कि घर पे, स्कूल में, बैंक में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन पे, सभी जगह पे आपने कंप्यूटर को देखा होगा. इसमें सबसे पहले होम्स. कंप्यूटर आर यूज इन होम्स फॉर मेकिंग बजट फॉर द फैमिली. घर पे आप अपने फैमिली का जो फैमिली बजट है वो बनाना चाहते हैं, तो वो बजट आप कंप्यूटर की मदद से बना सकते हो. सेंडिंग मेल्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हमें हमारे कोई फ्रेंड और रिलेटिव्स को कोई भी इनविटेशन देना है, कोई भी मैसेज करना है, तो वो हम मेल्स की मदद से उसको कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं. नाउ स्कूल्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स फॉर मेंटेनिंग फी रिकॉर्ड्स. यानी स्कूल में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, तो कि स्टूडेंट्स की जो भी फी है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है. मेकिंग टाइम टेबल्स. कंप्यूटर की मदद से टाइम टेबल भी बना सकते हैं. राइटिंग सर्कुलर्स, यानी आपकी जो भी नोटिस आती है वो नोटिस भी आप कंप्यूटर में लिख सकते हो. टीचिंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट को आप कंप्यूटर की मदद से भी शिक्षण दे सकते हो, पढ़ा सकते हो. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज के अंदर भी कंप्यूटर होता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, तो कि जो लाइब्रेरियन है वो बुक का जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है. कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स. यानी कि स्कूल में जो भी टीचर एंड स्टूडेंट्स है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है. नाउ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट. कंप्यूटर्स आर यूज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. यानी कि आपको कोई भी ट्रेन और एरोप्लेन्स के बारे में जानना है कि ये ट्रेन है वो इस स्टेशन पे कब पहुंचने वाली है या यहाँ से कब जाने वाली है, या एरोप्लेन के बारे में भी आपको ऐसी जानकारी लेनी है, तो आप वो कंप्यूटर की मदद से ले सकते हो. बुकिंग टिकट्स एंड डूइंग रिजर्वेशन. आप टिकट भी बुक करा सकते हो और ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करा सकते हो. नाउ बैंक्स. इन बैंक्स कंप्यूटर्स आर यूज फॉर कीपिंग द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स. बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं उसका जो बैंक अकाउंट्स की जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स को रखने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है. मेंटेनिंग कैश रिकॉर्ड्स. यानी कस्टमर ने अपने अकाउंट के अंदर जो भी कैश रखे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो भी कंप्यूटर की मदद से
कर सकते हैं। देर आर द कंप्यूटर्स दैट मेड द एटीएम फैसिलिटी पॉसिबल इन द बैंक बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। आपको पता होगा कि आप एटीएम से कोई भी मनी है वो निकाल सकते हैं, वो किसकी मदद से, तो के कंप्यूटर की वजह से। हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ फॉर मेकिंग मेडिकल रिपोर्ट्स। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है कि आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट बनाना है तो इसके लिए कंप्यूटर का यूज होता है। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ओल्ड पेशेंट, यानी कि जो भी ओल्ड पेशेंट्स है उसका कोई रिकॉर्ड रखना है तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से रख सकते हो। डायग्नोसिंग द इलनेस ऑफ ए पेशेंट्स, आपको पेशेंट के इलनेस का डायग्नोसिस करना है तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हो। एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज, यानी कोई भी सर्जरीज करना है, कर रहे हो तो उसका जो भी कंट्रोलिंग है वो आप कंप्यूटर में देख सकते हो। नाउ फिल्म्स, कंप्यूटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग एनिमेशंस। कंप्यूटर की मदद से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो और फिल्म भी बना सकते हो। एनिमेटेड मूवीज समटाइम्स शो अनरियलिस्टिक थिंग्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। कभी कभी आपने एनिमेटेड मूवीज भी देखी होगी, जैसे कि छोटा भीम है, बाल गणेश है, वो सभी। एंड यू नो डायनासोर्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग अगो, यू समटाइम्स सी देम इन मूवीज एंड यू श्योर द मूवीज मेकर मस्ट हैव टेकन द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर से डायनासोर्स है वो डिसअपीयर हो गए हैं, तो अभी आप कोई भी मूवीज डायनासोर का कंप्यूटर में देख रहे हो तो वो जो मूवी मेकर है वो किस में बनाया होगा, तो कंप्यूटर में। नाउ ऑफिसेस, इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कीपिंग द बैकअप ऑफ ऑफिस वर्क। ऑफिस का जो भी वर्क है उसका बैकअप रखने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स, मीन्स ऑफिस के अंदर जो भी क्लाइंट्स, जो भी कर्मचारी है जो वर्क कर रहे हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड रखना है तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से रख सकते हो। एंड हियर बैकअप, बैकअप मीन्स अ कॉपी ऑफ अवर वर्क। बैकअप इज मोस्टली टेकन टू हैव अ सेफ रिकॉर्ड ऑफ अवर वर्क, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फाइल्स। यानी कि आपने जो भी वर्क किया है उसकी एक दूसरी कॉपी। सेंडिंग ईमेल्स टू क्लाइंट्स, यानी कि अपने क्लाइंट्स को आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ टेक्सटाइल, इन द टेक्सटाइल फील्ड कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। अब जो भी क्लोथ पहनते हो इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स होती हैं। तो ये जो भी डिजाइन्स हैं तो वो टेक्सटाइल फील्ड में सबसे पहले डिजाइन है वो कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, उसके बाद जो क्लॉथ है उसके ऊपर उसकी प्रिंट होती है। नाउ इन पुलिस डिपार्टमेंट, इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट कंप्यूटर आल्सो हेल्प पुलिस। आपको ये सरप्राइज लगेगी कि कंप्यूटर है वो पुलिस को भी मदद करता है। कैसे करता है? इन अ पुलिस डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मैचिंग फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट मैचिंग इज ऑफन यूज्ड बाय पुलिस टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, यानी कि कोई भी क्रिमिनल्स है, पुलिस है, उसकी फिंगरप्रिंट की मैचिंग करते हैं किसमें, तो कि कंप्यूटर की मदद से। जो फिंगरप्रिंट मैच होती है तो उसे पता चल जाता है
कि ये क्रिमिनल ने ये कोई भी जो चोरी की होती है, तो ऐसे पुलिस को पता चल जाता है कि ये क्रिमिनल्स है, उसने ऐसा किया है। और ऐसे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स भी आपको रखना है, तो रिकॉर्ड्स भी आप कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। थैंक यू।